हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विशाल सिक्का किस कंपनी के CEO है? तो जो इंफोसिस जो कंपनी है उसके CEO है विशाल सिक्का। अभी इन्हें किसी कारणवश से जो घोटाला हुआ था उसके कारण से इन्हें हटा दिया गया दोस्तों, विशाल सिक्का को CEO पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो है 300 अनुच्छेद 290 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबसागर के दरबार में था दोस्तों, बिंबिसार के दरबार में था वास्तुकार महागोविंद। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वह लोकसभा स्पीकर कौन था जो बाद में भारत का राष्ट्रपति बना? तो नीलम संजीव रेड्डी जो एक लोकसभा स्पीकर थे दोस्तों वो बाद में भारत के एक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच होती है, तो लोचदार होती है, मांग की लोच लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ष 1981 में किस इंडस्ट्री और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों का अध्यक्ष बनाया गया था? तो रतन टाटा को बनाया गया था दोस्तों 1981 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो जो 11 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर वो छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौर का किला कितने फिट लंबा है? लंबाई की बात हो रही है दोस्तों, तो कितने फिट लंबा है? तो 1400 फिट लंबा है लाहौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर के अंदर स्थित है दोस्तों, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इन जीके के क्वेश्चन देख सके दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई विचार है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।